हरियाली तीज जाने तारीख शुभ मुहूर्त मिलेगा पूरा फल, इस विधि से करें पूजा। नमस्कार दोस्तों, मैं राशि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हरियाली तीज, जिसे तीज भी कहा जाता है, इसका शुभ मुहूर्त और इस दौरान कैसे पूजा करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि हरियाली तीज पर हमें कैसे पूजा करनी चाहिए। दोस्तों सावन का महीना शुरू हो चुका है, ये एक पवित्र महीना होता है। इस महीने में हरियाली तीज भी आती है। हरियाली तीज को हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। सावन महीने की तृतीय तिथि के दौरान हरियाली तीज मनाई जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और घर में सुख शांति के लिए व्रत रखती है। हरियाली तीज को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसे सावन तीज से भी पुकारा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भोले बाबा और माता पार्वती का पुनः मिलन हुआ था। महिलाएं इस दिन व्रत करके पूजा अर्चना करके माँ पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। दोस्तों इस बार हरियाली तीज को तृतीया तिथि जिसे कहा जाता है मंगलवार 10 अगस्त 2022 को मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त शाम 6:11 से शुरू हो जाएगा। इसके साथ यह तिथि बुधवार 11 अगस्त की शाम 4:56 तक रहेगी। हरियाली तीज में व्रत पूजा प्रदोष काल में ही किया जाता है। इस दौरान पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दौरान महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए पति के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत को विधि विधान से ही किया जाता है, तभी इसका फल मिलता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, इसके बाद पूजा की तैयारी करें। भगवान शिव और माँ पार्वती का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। श्रद्धा के साथ भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करें। इस दिन भगवान शिव की पूजा कर उन्हें धतूरा, बेलपत्र, सफेद फूल और अक्षत आदि चढ़ाएं। इसके साथ माँ पार्वती को सिंदूर और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके अलावा माता पार्वती की पूजा करें और अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। दोस्तों पूरे दिन व्रत का पालन करें, संभव हो सके तो फल आहार ही करें। इस व्रत के फल अनुसार सौभाग्यशाली महिलाओं के पति की उम्र लंबी होती है, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी उन्हें होती है।